रिलायंस जियो 5G सॉफ्टवेयर स्टैक बनाने पर तेजी से काम कर रहा है। साथ ही जियो की ओपन RNN तकनीकों को अपनाने की भी योजना है, जो कि मौजूदा 4G नेटवर्क आपूर्तिकर्ताओं को भारी प्रीमियम पे आउट पर बचत करने में सहायता करेगी। रिलायंस जियो की योजना है कि वह अपना 5G सॉफ्टवेयर स्टैक बनाए और जल्द ही ओपन RNN तकनीकों को अपनाए। यह खबर ऐसे वक्त सामने आई है जब चीन की हुआई टेक्नोलॉजीज और ZTE कॉरपोरेशन को भारत के 5G नेटवर्क को चालू करने की योजना से बाहर रखने पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच संबंधों में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। दो चीनी फर्मों को बोली से बाहर रखने के लिए भारत सरकार से उम्मीद की जाती है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला दे सकती है। संचार मंत्रालय भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो, इन्फोकॉम और वोडाफोन आइडिया सहित निजी कंपनीज द्वारा 5G परीक्षणों के अनुमोदन पर लंबित चर्चाओं को फिर से शुरू करेगा। अधिकारियों के मुताबिक अगले साल 5G की नीलामी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। मुकेश अंबानी द्वारा 15 जुलाई को 5G नेटवर्क योजना की घोषणा के बाद रिलायंस भारतीय बाजार में हुआई के लिए एक गंभीर चुनौती हो सकती है, लेकिन जियो का यह कदम निश्चित रूप से एक गेम चेंजर साबित होगा। रिलायंस जियो के अधिकारियों ने पूर्व में कहा था कि जियो को अपने कुछ प्रतिद्वंदियों के विपरीत नई प्रणाली में जाने के लिए ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि कोविड-19 महामारी के बीच अर्थव्यवस्था में गिरावट के साथ सरकार 5G के लिए प्रोत्साहित करने की स्थिति में नहीं हो सकती है। भारत ने इस साल की शुरुआत में हुआई को अपने 5G परीक्षणों में भाग लेने की अनुमति दी थी। उसने मई की शुरुआत में अपनी विवादित सीमा के साथ चीन की कार्रवाई के बाद चीनी कंपनियों के खिलाफ अपने रुख को सख्त कर दिया था। दूरसंचार संरचना अब राष्ट्रीय सुरक्षा परिसंपत्तियों का हिस्सा बन चुकी है और कई राष्ट्र उन्हें नियंत्रित और विनियमित करने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन भारतीय बाजार पहले से ही बुनियादी ढांचे और नियामक समस्याओं से जूझ रहा है, इसलिए इस तरह के निर्णय से भारत की चुनौतियां बढ़ेंगी। टेलीकॉम कंपनीज को 5G इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने में $4 बिलियन का निवेश करने की उम्मीद थी। यह मुश्किल हो सकता है क्योंकि भारतीय एयरटेल, वोडाफोन ग्रुप, PLC और यहां तक कि राज्य द्वारा संचालित कंपनीज भी मौजूदा 4G नेटवर्क को लाभदायक बनाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। कंपनीज के 4G नेटवर्क में पहले ही चीनी उपकरणों की निर्भरता है। हुवाई और ZTE के लिए दरवाजे बंद करने से 5G पर स्विच की लागत 35% तक बढ़ सकती है। जियो अपने स्वयं के 5G सॉफ्टवेयर स्टैक का निर्माण करने में कामयाब हो सकता है और इसके द्वारा एक आर्किटेक्चर के रूप में ओपन RNN तकनीकों या क्लाउड एंड रैन का चयन करने की भी संभावना है, जो उन्हें मौजूदा उपकरण प्रदाताओं को महंगे प्रीमियम का भुगतान करने से बचने की अनुमति देगा। यह इसे अन्य विकासशील बाजारों में अपनी विशेषज्ञता को निर्यात करने की अनुमति भी देगा, जो अभी तक 5G में अपग्रेड करने के लिए शुरू नहीं हो पाए हैं। यह ओपन RNN आर्किटेक्चर को मौजूदा ऑपरेटर नेटवर्क में मजबूत कदम स्थापित करने की अनुमति दे सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जियो के लिए कुछ हद तक बाहरी निर्भरता भी होगी, क्योंकि रेडियो एक्सेस नेटवर्क का उपयोग करने वाले अधिकांश अर्धचालक विदेशी विकसित और उत्पादित होने की संभावना रखते हैं। फेसबुक द्वारा स्थापित टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के काम का लाभ भी जियो उठा सकता है, जबकि जियो को इस परियोजना के सदस्य के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। यह ओपन RNN नीति गठबंधन के सदस्य के रूप में सूचीबद्ध है। इस गठबंधन का लक्ष्य उन नीतियों को बढ़ावा देना है जो रेडियो एक्सेस नेटवर्क में खुले समाधानों को अपनाने के लिए आगे बढ़ेगा। इसका उद्देश्य 5G सहित उन्नत वायरलेस प्रौद्योगिकियों के लिए नवाचार बनाना, प्रतिस्पर्धा में सुधार करना और आपूर्ति श्रृंखला का विस्तार करना है। रिलायंस जियो अपने चीनी समकक्षों के लिए दुनिया के दूसरे सबसे बड़े वायरलेस बाजार में एक गंभीर चुनौती हो सकती है, क्योंकि मुकेश अंबानी ने जल्द ही एक हाउस तकनीक का उपयोग करके अपने जियो इन्फोकॉम के लिए 5G नेटवर्क शुरू करने की योजना की घोषणा की थी।